नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। हैव कम टू फेसबुक लाइव। मुझे दो तीन इश्यूज में बात करना था। सबसे पहले मुझे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जैसे कि CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सब जानते हैं कि द TSF ने अपना एजिटेशन शुरू कर दिया है। मेरी बात सुनील से भी हुई है, बिश्वजीत से भी हुई है, उपेंद्र देबर्मा से हुई है, और मैंने उनको अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आज जिस प्रकार से आ रहा है वो हमारे लिए खराब होगा। इसी के लिए मैंने अपील भी किया है केंद्र सरकार को, सेंटर को, कि आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इस तरीके से पास मत कीजिए। हमसे पहले बात कीजिए, उसी के बाद आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं CAB के बारे दो तीन चीज कहना चाह रहा था। सब लोग कह रहे कि CAB आप क्यों नहीं करना चाहते हो। मैं अपने दर्शक जो यहाँ में हैं और मीडिया को, सबको बोलना चाहता हूँ कि CAB तो सबसे पहले त्रिपुरा ने ही किया है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी ने CAB असल में किया है, असली तरीके से किया है, तो त्रिपुरा ने ही किया है। 1940 में जब बंगाल में, ईस्ट बंगाल में अकाल पड़ा तो महाराजा ने अलाउ किया। 46 में जब नोआखाली राइट्स हुआ तब महाराजा ने अलाउ किया। 48 में स्वास्थ्य कमेटी को हमने जगह दी। 56 में जब फिर से दंगा हुआ ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, तब आए। 65 में आए, 71 में आए। तो पहले से जब त्रिपुरा खड़ा है तो आप कैसे कह सकते कि आप फिर से दोबारा कीजिए। हाँ, मणिपुर ने नहीं किया है, नागालैंड ने नहीं किया है, मेघालय ने नहीं किया है, अरुणाचल ने नहीं किया है, सिक्किम ने नहीं किया, त्रिपुरा तो पहले से किया है। और हमने अपना जो बोझ था हमने उठाया है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम क्यों नहीं CAB चाहते। हमने तो पहले से कर दिया था। अब ये जो बोझ है दूसरी स्टेट्स को भी हैंडल करने दीजिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपील की है, चिट्ठी लिखकर अपील की है। मैंने कहा भी है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो हमसे बात करें। हम डेलीगेशन बनाकर दिल्ली जाएंगे, उनको एक मेमोरेंडम प्रस्ताव करेंगे, और अपना जो त्रिपुरा का जो प्रॉब्लम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से, उनको हमारा बात सुनना चाहिए, हमारा जो डिमांड से उनको समझना चाहिए। और उसके बाद आप अगर हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करते, तब हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सुरक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में हमारे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। रहा बात NRC का, सब जानते हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, और मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द NRC प्रोसेस भी नॉट ओनली इन त्रिपुरा, पूरे इंडिया में होगा। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी जात, धर्म और भाषा को लेकर किसी को अलग नहीं कर सकते हो। ये मेरा क्लियर डिमांड था, आज भी है। ब्रू और यंग इश्यूज में एक रेफ्यूजी जो कहा जा रहा है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, रियांग एंड ब्रू आर नॉट रेफ्यूजीज। ये त्रिपुरा के अटूट अंग है और आप इनको रेफ्यूजीज नहीं बुला सकते। ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है। डुम्बुर के बाद, 91 के बाद जब राइट्स हुए थे, और इनको हम रेफ्यूजीज नहीं बोल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैंने मेमोरेंडम ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह को सबमिट किया है। उसमें मैंने लिखित लिखा है कि त्रिपुरा, जिसका एक कल्चर है, त्रिपुरा में एक कल्चर है जो जो आप क्या बोलते हैं कि हमने सबको एक्सेप्ट किया है। अगर आप देखेंगे, शुजा औरंगजेब का भाई था, जब वो भागा तो महाराजा त्रिपुरा ने, गोविंद माणिक्य ने उनको पनाह दी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई बाहर से इनके ऊपर, हमारे हिंदू बंगालीज के ऊपर या कोई भी और कम्युनिटीज के ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमने उनको पनाह दी। आज रियांग लोग, जो हमारे खुद का एक खून है, हमारा एक अस्तित्व है,
उनको हम जगह नहीं दे सकते। कंचनपुर में, जहां में मेरी ग्रैंड मदर राजमाता कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगह दिया, उसी कंचनपुर में हम कह रहे हैं कि हम अपने रियांग ब्रू को नहीं रख सकते। सीएबी में हम इतने लोगों को बाहर से त्रिपुरा लाने का या हिंदुस्तान लाने का बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम अपने ही ब्रू लोगों को नहीं रख सकते। तो मैंने एक मेमोरेंडम अमित शाह जी को दिया है, उसमें लिखा गया है कि जो आपका रिहेबिलिटेशन पैकेज है मिजोरम के लिए, वो आप अब त्रिपुरा में इस्तेमाल कीजिए। हमारे ब्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका भाषा, उनका लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज, हमारा आइडेंटिटी खतरे में है। आप ये जो रिहेबिलिटेशन का पैकेज है, जो 500 करोड़ से इन एक्सेस है, वो आप मिजोरम में ना करके त्रिपुरा में कीजिए। हम जगह देने के लिए त्रिपुरा में बहुत जगह है। अगर हम बीएसएफ फायरिंग रेंज को इतना जगह दे सकते हैं, अगर हम बाहर से लोगों को इतना जगह दे सकते हैं, तो अपने ब्रू कम्युनिटी को ये जगह क्यों नहीं दे सकते? तो ये हमारा क्लियर डिमांड है और ये मैंने मेमोरेंडम दे दिया है। मैंने ये भी कहा है कि ये अगर सरकार समय लेती है, तो मैंने कंचनपुर में ही हमारे फिलिप रियांग हैं, ब्रू कम्युनिटी से और लीडर्स लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है और मैंने खुद अपने पॉकेट से अभी तक थोड़ा जमीन खरीदा है। और अगर 30 तारीख तक हमारे लोगों को, अगर 30 तारीख तक हमारे लोगों को कुछ समाधान नहीं हुआ, तो ये जमीन मैं पट्टा के साथ एक कमेटी को दे दूंगा और आपका हमें जगह रहेगा। ये अकेला मैं जितना कर सक रहा हूं मैं कर रहा हूं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं दिल से कर रहा हूं हमारे लोगों को एक सम्मान और एक डिग्निटी के लिए। अब अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क मी। हाँ, लेकिन मैं ऑफिशियली कहना चाहता हूं कि मैंने और अभी परसों तक मेरे पास ऑलमोस्ट 30 कानी जमीन मैं खरीद चुका हूं और मैं ये जमीन अपने ब्रू कम्युनिटी को देने वाला हूं। और भी अगर होगा तो और भी करूंगा, लेकिन जितना मेरा क्षमता है मैं कर रहा हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता है जो भाषण देते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, आप भी थोड़ा सा अपना जेब खाली करके दीजिए हमारे लोगों को, अच्छा रहेगा। क्योंकि वोट के टाइम हम सिर्फ आते हैं, जब वोट खत्म तो कोई किसी का परवाह नहीं करता। इसमें मैं अब दो तीन चीज अब मेन इशू से हटकर मैं बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑन दीज थिंग्स। बहुत न्यूज में खबर आ रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोई नया पार्टी खोल रहा हूँ। मैंने सब पार्टीज को, टीएसएफ हो, आईपीएफटी हो, मेवात जमातिया, विजय बाबू, आईएनपीटी के आघोर देव वर्मा, अनिमेश देव वर्मा, मैंने सबसे बात की है, पटल कन्या से बात की है और मैंने कहा है कि हमें एक होना चाहिए। अगर आप अपना पार्टी को छोड़ नहीं सकते हो, तभी भी कुछ कुछ इश्यूज में, जैसे कि सीएबी हो, हमारे ब्रू का रेफ्यूजी का इशू हो, हमारा डायरेक्ट फंडिंग टू द ईडीसी हो, हमारा कॉक बोरक लैंग्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट हो, एनआरसी हो, इसमें हमको एक होकर एक आवाज में बात करना चाहिए। और मैंने इसी के लिए कहा है कि प्लीज एक ऑल पार्टी आप रखिए, जहां में हम अपने दोफा के बारे बात करें, ना कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो ये जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर कह रहा है कि प्रद्योत एक महाराजा कुछ ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, ये सब र्यूमर्स है। दो बात मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस में वापस नहीं जा रहा हूं। दूसरा बात, मैं एकता चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज में और समाज में। और इसके लिए मैंने सबसे बात किया है, जहां तक मुझे मालूम है कि खुमुलुंग में भी 23 तारीख को पटल कन्या ऑल पार्टी का एक इनविटेशन दे रही है, मुझे भी इनविटेशन मिल रहा है, मैं तो जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि हम एक टीम बनाएं जिसमें मेवार हो,
जिसमें विजय रंखोल जगदीश हो, जिसमें पटल कन्या हो, जिसमें अनिमेश हो, जिसमें आघोर बाबू हो, जिसमें त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन हो, जिसमें आतिशा हो, जिसमें अपना जमतिया हौदा हो, जिसमें चांताई, हम लोग एक टीम है, जिसमें मैं हूँ, हम लोग एक ज्वाइंट मेमोरेंडम ड्राफ्ट करें जिसमें टीला हो, TUKS हो, महाजाबीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी हो, हम लोग एक मेमोरेंडम ज्वाइंटली बनाकर बरोक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बनाए और वो मेमोरेंडम जाकर नरेंद्र मोदी अमित शाह को सबमिट करे कि आप ये त्रिपुरा के साथ कीजिए, हम इस जमीन के इंडिजिनस भूमि पुत्र हैं, आप हमें ये सम्मान दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना सुरक्षा चाहते हैं, बस यही मेरा व्यू था। अगर आप आपके पास कोई क्वेश्चंस हो कि तो मैं बोल सकता हूं। और हाँ, रिगार्डिंग मैंने हाँ चौरकी हाइलाकांडी के लोग से भी मैंने बात किया है, करीमगंज के संग भी मैंने बात किया है, और अगर हमारे हाइलाकांडी में हमारे रंगखोल दारलोंग हालाम कम्युनिटी से किसी को भी जो इंडिजिनस ट्राइब से है, उसमें गारोज भी हैं, खासीज भी हैं, इफ दे वांट टू कम टू त्रिपुरा, हमें जगह देनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पूरे विश्व को बोल सकता है कि जो भी हिंदू हिंदुस्तान का जो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वो इंडिया में उसका घर है, तो हम एक ऐतिहासिक राज्य थे, किंगडम थे, हमको भी अपने लोगों को लाना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। और जहां तक जैसे कि मैंने कहा कंचनपुर में मैंने खुद जमीन खरीदा है पट्टे के साथ, मैं ये महीने के अंदर अंत तक देने वाला पट्टे के साथ। तो कुछ कुछ इश्यूज में हमको पॉलिटिक्स एकदम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं कि ADC इलेक्शन में आप नया पार्टी फॉर्म कीजिए, कोई कह रहा है कि ADC इलेक्शन में आप ये पार्टी ज्वाइन कीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि ADC इलेक्शन तो होगा, ADC इलेक्शन में सबसे पहले INPT, IPFT, TPF, बुबागरा, आतिशा, TSF सबको माइंड मेकअप करके बोलना चाहिए कि ये जो ADC इलेक्शन है ये अपना तिपरासा के लिए है, इसमें नेशनल पार्टीज का के संग हम क्यों अलाई करें, हम अपना अपने लोग अपना भविष्य के बारे खुद बात करें। और आप अपना पार्टी रख सकते हैं लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आगे बढ़े, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। एंड नेल्सन रिगार्डिंग CAB, मैंने क्लियरली कहा है कि CAB में हमें एक कंसेंसस निकालना चाहिए, हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन त्रिपुरा ने 1940 में CAB कर दिया जब अकाल हुआ, हमने आने दिया ईस्ट बंगाल से, 46 में नोआखाली के टाइम हमने अलाउ किया, 48 में कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जगा दिया कंचनपुर में, 56 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, त्रिपुरा ने तो पहले से ही CAB कर दिया है। अब आप कितने बार बोलेंगे कि फिर से CAB करो, दूसरी स्टेट्स को आप ये जो त्रिपुरा ने जो सैक्रिफाइस किया है वो दूसरी स्टेट्स को भी करने बोलिए आप, ये मेरा पॉइंट है। और अगर हमें आप सुरक्षा देना चाहते हैं तो हमारा असेंबली में सीट्स बढ़ाइए, अगर आप हमें सुरक्षा देना चाहते हैं तो इनर लाइन परमिट आप लाइए हमारे ADC में, ADC में डायरेक्ट फंडिंग अंडर 244 कीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट आ रहा है कि हम मोर पावर देंगे, मोर पावर देंगे, अरे मोर पावर अंडर व्हाट प्रोविजन, 275 280 में कीजिए। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। अभी आप बताइए, हमारे जो रियांग को मैंने कहा है कि जो 500 करोड़ का पैकेज है आप त्रिपुरा में दीजिए, लेकिन पैकेज के साथ आप हर रियांग को आप 5 को यहाँ 10 को यहाँ नहीं रखेंगे, क्लस्टर में रखना पड़ेगा हमारे लिए रियांग लोगों को, और वहां में स्कूल और अस्पताल होना चाहिए। तो मैं सॉल्यूशंस लेना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आंदोलन के लिए अपोज नहीं कर रहा हूं, मुझे वोट भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे इशू में हमसे ठीक से बात करे, ये मैंने पॉइंट रखा है।
अब रहा अभी मैंने, हेलो डेविड, हाउ आर यू, गुड टू सी यू डेविड। मैं कन्फ्रंटेशन में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने हमारा बात नहीं माना, राज्य सरकार ने बात नहीं माना, तो आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बातचीत से समस्या का हल निकल सकता है, इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि आप ये बिल लाने से पहले हमसे मिलिए। हमारे दिल, हम मतलब मैं नहीं, हमारा पूरा दोपहर, इसी के लिए मैं चाहता हूं कि एक जॉइंट डेलीगेशन जिसमें पताल कन्या हो, एनसी मेवार हो, विजय विजय रंखोल हो, जगदीश हो, टीएसएफ के लोग हो, आतिशा के हो, टीओकेएस के हो, टीला के हो, बीएचपीआरओ के, जो भी हमारा जो है, होदा जमातिया से हो, चांता है, हमारे कोलाई समाज से हो, हम लोग सब मिलकर जाए, त्रिपुरा प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो, जाए और अमित शाह या नरेंद्र मोदी से मिले, मेमोरेंडम दे और आप हमारा आवाज सुनिए। बस मैं ये चाहता हूं कि आप हमारा दुख समझिए। सबसे ज्यादा तो सीएबी हमने ही लाया है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आज हम कुछ कह रहे हैं, आप समझिए कि हमारा दिल के अंदर क्या बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और हाँ, थैंक यू मैडम डार्लोंग, मैंने 30 कानी अभी खरीदा है और मैं 30 कानी दे रहा हूं, लेकिन 30 कानी से कुछ नहीं होगा, और भी जमीन का दरकार है। मैं और देने की कोशिश करूंगा, मैं अपने पॉकेट से खुद रुपया खर्च करके दे रहा हूं। लेकिन हमारे पास इतने बड़े लीडर हैं जो फेसबुक में आकर सेल्फी लेते हैं, जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं, जो मैं जानता हूं कि यहाँ में हमारे 2-3 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं। मैंने अभी देखा है अपने नए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट पूजन भी आए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। कॉन्ट्रीब्यूट सिर्फ वोट के लिए नहीं कीजिए, अगर दिल से प्यार करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन अगर आप हर चीज को मैंने ये दिया है आप मुझे क्या देंगे करके आप पॉलिटिक्स करोगे, तो कोई विश्वास नहीं करता आजकल के नेता को। ये हाँ, सी राजीव कुमार पॉल क्रिएट ए न्यू पार्टी, वाओ, क्यों? और एक पार्टी नया क्रिएट करके क्या होगा? आज आईएनपीटी, आईपीएफटी, अतिसार, एनसीटी, टीपीएफ पहले से है। आप लोग पहले एक दूसरे से बात कीजिए। मैं हूं ना, अगर मैं बीच में रहकर सबसे बात करवा सकता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? अगर बुबागरा अपना पद पोस्ट छोड़ के दोहा के लिए काम कर सकता है, तो आप भी कभी कभी अपना ईगोस को हटाकर अपने दोहा के लिए काम कीजिए। जिस दिन हम लोग एक हो गए, ये नेशनल पार्टीज जो हमें इधर से उधर एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछे। हाँ, मैंने मेमोरेंडम कंचनपुर के लिए मैंने अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया है, वो मैं फेसबुक में अपलोड भी कर दूंगा। मैंने मेमोरेंडम में क्या लिखा है? मैंने मेमोरेंडम में ये लिखा है कि रियांग कम्युनिटी हमारे इंडिजिनस है त्रिपुरा के लोगों के साथ, रियांग कम्युनिटी हमारे त्रिपुरा के हैं एंसेस्ट्रली और ये उन्हीं का जमीन है। हमने ये भी कहा है कि आप वो पैकेज जो आप मिजोरम को देना चाहते हैं वो आप त्रिपुरा में दे दीजिए, त्रिपुरा में काफी जगह है ईडीसी के अंदर, आप हमारे रियांग लोगों को क्लस्टर में दीजिए, ना कि आप बिखर के कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे रियांग कम्युनिटी का कल्चर और आइडेंटिटी खत्म हो। और मैंने ये भी कहा है अपने मेमोरेंडम में कि देखिए, बहुत लोग इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैंने कहा है कि आप जमीन दीजिए और उसी कंचनपुर में जमीन है, आप ये बहुत सेंटिमेंटल बात है कि जिस कंचनपुर में मेरे ग्रैंड मदर राजमाता कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जमीन दिया, उसी कंचनपुर में आप बैठकर बोल रहे हैं कि आप यहां में हमारे पास जगह नहीं है, राशन बंद करो, आप जाइए। मैंने ये भी कहा है कि उस मेमोरेंडम में जिसको मैंने अमित शाह होम मिनिस्टर को दिया है, मैंने कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हिंदुस्तान के आर्टिकल 21 में
आप किसी को राइट टू फूड रोक नहीं सकते थे, और जो आपने किया है, जो सेंटर से ऑर्डर आया वो इलीगल था। मैंने ये लिख दिया है। बाबू मोल्सो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज हम डिवाइडेड क्यों हैं? क्योंकि कोई लोग हमको तोड़ने वाला, बस हमको तोड़ने वाला हम लोग नहीं है, तोड़ने वाला कोई और है। अनिमेश नाथ, इज इट नॉट अ मिथ यू आर आस्किंग फॉर? नो अनिमेश नाथ, इट इज नॉट अ मिथ। इफ वी कैन अलाउ लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश टू कम इन एंड सेटल डाउन इन इंडिया, why can't we allow our young people who have been living in this state for centuries, who are our own identity, to stay within the confines of India? If we can allow people from another country to come and settle down in India, then why can't we allow Riyangs, who are Indians, to get another place within India? I'm not, what is it a myth about? Agar koi aur karega to wo theek hai, aur hum log kare to galat hai. Very wrong, Animesh Nath. Very wrong. मैं इसका, मैंने मेमोरेंडम दिया है। इसके बाद मैंने कहा है कि ऑल पार्टी मीट कन्वेन करे। पटेल कन्या शायद 23 तारीख को कर रही है, मैं अटेंड करूंगा। कोई भी कहीं भी हो, मीटिंग होगा, मैं अटेंड करूंगा। ऑल पार्टी मीटिंग वो शायद उन्होंने बुलाया है, मैं जाऊंगा। और मैं अभी भी फेसबुक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम लोग सबको एक छत के अंदर बैठकर बात करना चाहिए। एक जॉइंट डेलीगेशन होना चाहिए। जो डेलीगेशन महाराजा का डेलीगेशन नहीं है, या INPT का नहीं है, या IPFT का नहीं है, या TISF का नहीं है, टिपरासा का एक जॉइंट डेलीगेशन होना चाहिए जिसमें सब हो, और जाकर अमित शाह और मोदी जी से मिले और बोले ये हमारा डिमांड है, आप इसके बारे सोचिए। काजल चाकमा, आप कब पॉलिटिक्स में आ रहे हो? ADC इलेक्शन से आ रहे हो कि नहीं? काजल चाकमा, अगर मैं अपने दोफा के संग सिर्फ पॉलिटिक्स करूं तो आप मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या रहेगा? आज मैं दिल्ली जाकर सबसे बात कर सकता हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट त्रिपुरा के लोगों के बारे है। मेरे लिए त्रिपुरा पहले आता है, पॉलिटिक्स बाद में आता है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स को सामने रखकर और अपने लोगों को पीछे रखकर हम आगे बढ़े, तो आपका जो प्रायोरिटी है ना जिंदगी में, वो ही गलत है। मैं रेवती बाबू से भी बात करूंगा, रामपद जमातिया से भी बात करूंगा। अगर उनको मुझसे बात करना, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें मेमोरेंडम राइटिंग में, ये देखिए हम लोग भाषण में बोलते हैं, राइटिंग में कोई नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूं कि हम लोग राइटिंग में एक जॉइंट मेमोरेंडम जाकर दिल्ली को दे और दिल्ली हमसे बात करे। भाषण देने से नहीं, पुतला जलाने से नहीं, पहले उनको, अगर अगर आप उग्रपंथी से मिल सकते हैं, अगर आप हुर्रियत से मिल सकते हो, अगर आप नक्सल से मिल सकते हो, आपने अगर आप नागा एनएलसीएन से बात कर सकते हो, तो हम तो इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी एक व्यू है। हम जाके मेमोरेंडम देंगे, आप वो मेमोरेंडम देखिए, आप बात कीजिए, हमारे में क्या कष्ट है वो सुनिए, आप भी समस्या का कोई हमें समाधान दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। विजय ब्रू, CAB के लिए आप अगला स्टेप क्या करेंगे? आप ये वीडियो को फिर से पढ़ लीजिए विजय। हर स्टेप में देखिए, सोच समझ के करना है, सोच समझ के जो भी करना है सोच समझ के करना है। बहुत लोग टिपरासा को आगे रखकर, कंधे में रखकर गोली कोई और मार रहा है, ये ऐसा मैं होना नहीं चाहता हूं, और मैं होने भी नहीं दूंगा।
हाँ नहीं, तो एनसी देवबर्मा ने मेरे खिलाफ बोला, मैंने सुना है, मेवाड़ ने भी बोला था, मंगल ने भी बोला था, लेकिन वो इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन खत्म हो चुका है। आज अगर महाराजा ही अपना दिल छोटा करके एनसी देवबर्मा मेवाड़ से लड़े, पितौर ने कुछ कहा था, मैं आज पितौर से बात करता हूं। देखो, दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए, और मैं जब अपना ही दिल छोटा कर दूंगा तो नहीं होगा, मैं सबसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अपना समाज में है और ईगो नहीं चाहिए। वेल, लेट्स सी। और थैंक यू, थैंक यू। कोई लास्ट सवाल, क्योंकि उसके बाद मैं, एनी लास्ट क्वेश्चंस हो आपका? आंध्र विश्वास, यू डोंट हैव टू ज्वाइन मी, यू हैव टू ज्वाइन अ थॉट, अ फिलोसफी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब हम सीएबी के खिलाफ बोलते हैं, एनआरसी के खिलाफ बोलते हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन त्रिपुरा ने पहले से बहुत ज्यादा लोड ले चुका है, त्रिपुरा ने पहले से बहुत सफर किया है, और अब हमें, हमसे ये उम्मीद ना करें। दूसरे राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में दूसरे राज्य भी हैं, उनको भी आप बोलिए जितना त्रिपुरा ने किया उससे एक तिहाई कर ले। थैंक यू डेविड।